जबरदस्त यकीन हो गया काम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार है। वेलकम टू देसी फूडी चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने चिकन कढ़ाई बनानी है क्ले पॉट में, और हम इसको ग्रिल पे कुक करेंगे बाहर। बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। इसका टेस्ट आएगा स्मोकी और बेहतरीन। जो क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं चिकन की, वो है 3 पाउंड, तो तकरीबन 1.5 kg। और इसके साथ ही कढ़ाई कट कटा हुआ, तो ये हम लोग हमेशा फ्रेश ही लेकर आते हैं क्योंकि फ्रेश का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कोशिश करें आपको चिकन अगर फ्रेश मिल जाए तो बेहतर होगा। अब 3 पाउंड चिकन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें हम लोगों ने इसके लिए यूज़ करनी है। हमें हरा धनिया चाहिए होगा, तकरीबन 1.5 हैंडफुल समझ लें, 10 हरी मिर्चें, 1 नींबू या लेमन आपको अगर अवेलेबल है तो, लेमन फ्रेश रहे तो बेहतर है, 6 टोमेटोज चाहिए होंगे, टमाटर, उसके अलावा ये मैंने ऑलरेडी काट लिया है अनियन, 1 बिग अनियन आप काट लें इसके लिए। 3 पाउंड के लिए अगर कम है तो हम कम यूज़ करेंगे। कढ़ाई में अमूमन लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोग, मुझे बल्कि पसंद आता है क्योंकि थोड़ा ग्रेवी उसकी अच्छी बनती है उससे। उसके अलावा फ्रेश गार्लिक, ये हम लोगों ने इसके लिए 3 पाउंड के लिए 10 रख लिए। 1 कप घी यूज़ करेंगे, काली मिर्च, सॉल्ट और ये क्रश्ड हरी लाल मिर्चें, क्रश्ड रेड चाहिए होगा। और इसके अलावा ये है काला ज़ीरा चाहिए होगा। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, हरा धनिया को हम लोगों ने जो इसकी डंडियाँ वो अलग कर ली हैं, इसको अलग थोड़ा इसका सा छोटा काट लें। ये हम लोग शुरू में यूज़ करेंगे, जब बाहर हम ग्रिल पे जाएंगे तो मैं आपको शो करूँगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसको साइड पे कर दें। ये हरा धनिया जो पत्ते हैं ये हम लोग बाद में यूज़ करेंगे आखिर में, इसको भी थोड़ा चॉप कर लें। लेमन भी आखिर में हमें चाहिए होगा, इसको काट के तैयार कर लें। हरी मिर्चें जो हैं वो हमें बिग पीसेस में चाहिए, बड़े पीस चाहिए तो उसको ऐसे लंबा लंबा काट लें। अच्छा, कोयलों को जब आप जलाएंगे शुरू में, जैसे मैंने कहा ना कि एक धुआं इसमें अमूमन जो पहले शुरू में आएगा, ये अच्छा धुआं नहीं है। यू वांट टू मेक, आप मेक श्योर करें कि ये धुआं जब ख़त्म हो जाए तभी आपने कोयलों को यूज़ करना है। तो शुरू में जो है इस तरह से वाइट वाइट स्मोक आ रहा, तो लोग अमूमन समझते हैं कि जिससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा स्मोक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब ख़त्म हो जाए और कोयले आपके सही से जब लाल हो जाए और उनके ऊपर एक वाइट सी ऐश आने शुरू हो जाएगी, तब देन दे आर रेडी, फिर वो रेडी होंगे। अब कोयले हमारे तकरीबन 30 मिनट्स, आधा घंटा हो चुके हैं, और जो ग्रिल है, अगर आपके पास क्लोज ग्रिल है तो वो इस तरह से टेम्परेचर उस पर तकरीबन 300 फैरनहाइट तक आ जाएगा। कोयलों की मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ, तो ये बेहतरीन लाल हो गए हैं और राख उनके ऊपर हल्की हल्की वाइट आ रही है, और जो धुआं इनिशियली बहुत ज़्यादा आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम लोग उसको रख देंगे अपनी मिट्टी वाली कढ़ाई को। घी जो है वो तकरीबन 1 कप आपने यूज़ करना है 3 पाउंड चिकन के लिए, 1.5 किलो समझ लें, ये ऑलरेडी कुछ डाल लें। वो इसमें तैयार हो गया है। जब ये एक दफ़ा घी तैयार हो जाए तो हम ये प्याज जो हमने काटी हुई ये इसमें सारी ऐड कर दें। प्याज को अच्छे से इसमें थोड़ा सा जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें आप, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा उसमें रंग आने शुरू हो जाएगा, तब फिर इसमें हम गार्लिक अपनी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हमारी प्याज बिल्कुल तैयार हो गई है बेहतरीन, तो अब इसके अंदर हम लोग गार्लिक ऐड कर देंगे।
हमारी जो गार्लिक है वो भी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है और बेहतरीन अनियन भी रेडी है, तो अब हम चिकन इसमें ऐड करेंगे। और ये जो हरा धनिया की हमने टहनियाँ काटी थी ये भी ऐड कर दें साथ ही, जबरदस्त गार्लिक की स्मेल आ रही है। इसको आप थोड़ा तेल के अंदर भून लेंगे। अब जो ये चिकन है ये बेहतरीन रेडी हो गई है हमारी, ऊपर सारी वाइट हो गई है, तो अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें क्रश्ड रेड पेपर, काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून कर लें, 1 टीस्पून अब जो है ये चिकन हमने तकरीबन 3-4 मिनट को पका लिया है घी में या मसालों में, तब तक जबरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसके अंदर हम टमाटर जो हमने स्लाइस किए हुए थे वो ऐड कर दिए। ये कढ़ाई जो है ज़बरदस्त इसके अंदर पक रही है और टमाटर जो है हमारे हल्के हल्के भुनने शुरू हो गए। इसको आप इस तरह से बंद कर देंगे, टेम्परेचर तकरीबन 400 से 500 के बीच में आ जाए तो बेहतर रहेगा। ये अब आप देख लें टेम्परेचर तकरीबन 220 सेंटीग्रेड या 430 फ़ारेनहाइट पर है। उसको तो एक दफ़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं चिकन को, नीचे से लग ना रहा हो चिकन। ज़बरदस्त बेहतरीन, ये क्ले पॉट का ये फ़ायदा होता है कि उसमें सारा जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत यूनिफॉर्म होती है, हर जगह से होती है, तो आप गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा पकता है। ये सारा बस ज़बरदस्त हो गया, यहाँ पर छोड़ देंगे, अब दोबारा से इसको बंद कर देते हैं। ये अब आप घर में भी कर सकते हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो ये मीडियम हीट पर रखें इसको, और अगर आप बाहर ओपन फ्लेम में बना रहे हैं तो लकड़ी थोड़ी कम कर दें, बहुत हाई हीट पे नहीं बनाना इसको कि इसमें अच्छे से ये पक जाए और अंदर तक चिकन भी गल जाए और आपका टमाटर भी गल जाए। अभी जो है इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए पकते हुए, इसके ज़रा देख लेते हैं शक्ल कैसी बन रही है। तो ये देखें ज़बरदस्त उसमें कलर आ गया सारा, पानी भी जरा ड्राई होने शुरू हो गया, आपके जो टमाटर हैं वो गलने शुरू हो गए हैं बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा अब थोड़ी देर बाद और देखें, अब देखें अब ये इसका जो ग्रेवी है वो और ड्राई अप हो गई है और इसमें जो टमाटर है वो बिल्कुल घुल से गए हैं। देखें अब इसके अंदर हम लोग जो है हरी मिर्च, ज़ीरा ऐड कर देंगे, ये काला ज़ीरा इसमें ऐड कर दें, और साथ जो है हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अभी देख रहे हैं कि तेल जो है पानी से अलग हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आपने हरी मिर्च और जीरा ऐड करके इसको हल्का सा एक दफ़ा मिक्स करना है बस। आप इसके अंदर जो है हम नींबू भी ऐड कर देते हैं, ओके। अब जब ये बिल्कुल पक गया आपका तेल जो है वो अलग हो रहा है, तो अब इसके अंदर हम लोग हरा धनिया ऐड कर देंगे ऊपर से। क्योंकि
और ये देखें अभी बेहतरीन कढ़ाई तैयार है और इसको अब हम लोग उतार देंगे चूल्हे से, क्योंकि इसने अभी थोड़ा और पकना है, क्योंकि क्ले पॉट जो है और देर तक गर्म रहती है। ये चिकन अब हम लोग अंदर ले आए हैं, आप देख सकते हैं ये अभी भी पक रही है, हालांकि चूल्हा इसके नीचे ऑन नहीं है। ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया काम, कैसे बनी है देखिए, बिल्कुल नरम है, हड्डी छोड़ी है बोटी, इसको हम लोग उसका नवारा बना इस साइड ला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।